ढंग से फैला हुआ है। जब मेन यहाँ का लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर भी लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है आपको फार्मिंग, एंड ये लोग भी एनिमल्स बहुत ज़्यादा रेयर करते हैं, है ना, दूध वगैरह जो है वहाँ से लेते हैं, बेचते हैं, ये इसका मेन है। लेकिन फार्मिंग जो है इसका क्या, एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, ये इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा ये जो मुख्य रूप से जो ये लोग उपजाते हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग वीट उपजाते हैं, राइस बहुत कम उपजाते हैं, ज्वार, बाजरा, शुगर केन इधर का जो है मेन क्रॉप्स है। और ये लोग एनिमल्स बहुत ज़्यादा टेम करते हैं, बहुत ज़्यादा ये करते हैं, सो यहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उससे बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो ये लोग बहुत ज़्यादा उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। मैन जो है इधर के जो जेंट्स हैं, मैन है, वो लोग क्या वेयर करते हैं, तो धोती कुर्ता वो लोग पहनते हैं, धोती कुर्ता। और जो हरियाणा की वुमेन है वो लोग सलवार कुर्ता पहनती है और हमेशा अपने सर पे वो लोग दुपट्टा लिए रहती है। वो लोग जब भी बाहर चलती है तो सलवार दुपट्टा उन लोग के पास निश्चित वो पहनती है, लेती है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं या जो यहाँ पर ग्रामीण इलाका के लोग हैं, वो लोग इसके अलावा पहनते हैं घाघरा चोली, भी यहाँ के लोगों का मुख्य ड्रेस है। अब नेक्स्ट हो गया यहाँ का जो मेन लैंग्वेज हरियाणा का, हरियाणवी, हिंदी यहाँ का मेन लैंग्वेज है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग ज़्यादा हरियाणवी बोलते हैं, और जो बाहर से ज़्यादातर वहाँ बसे हैं सर्विस करने के लिए अदर बिजनेस से, वो लोग हिंदी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, अब क्या है उत्तर प्रदेश, इसके बारे में आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट हमारा कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। इट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ हाईली फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स। ये जो उत्तर प्रदेश है ये बहुत ज़्यादा हाईली बहुत ज़्यादा ये घिरा हुआ गैंगेटिक प्लेन से, उत्तर प्रदेश में पूरा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पूरा बहती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा घिरा हुआ। तो यहाँ पर जो है यहाँ का जो ज़मीन है वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। इट शेयर एन इम्पॉर्टेंट बॉर्डर विथ नेपाल, उत्तर प्रदेश का एक भाग जो है इसको टच करता है नेपाल को। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया, लखनऊ हो गया। यहाँ का जो मुख्य क्रॉप्स है जो यहाँ पर होती है उसमें क्या हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, पल्स हो गया, ऑयल सीट हो गया, ये यहाँ का मेजर क्रॉप्स है या मुख्य रूप से होते हैं। और यहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो एग्रीकल्चर फार्मिंग यहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य रूप से ये लोग भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हैं। अब यहाँ के लोगों का मेन फेस्टिवल यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोग मुख्य रूप से क्या क्या त्यौहार मनाते हैं जिसको ज़्यादा ये लोग इन्जॉय करते हैं, तो उसमें क्या हो गया, होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी और ईद, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल हैं। देन आगे जो हो गया नॉर्दर्न प्लेन में, अब यूपी के बाद यूपी से सटा हुआ हमारा अपना स्टेट बिहार है, है ना। बिहार जो है ये जस्ट एक तरफ ईस्ट के तरफ ये यूपी को टच करता है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, पटना। अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लाइव्स इन विलेज, बिहार के में 85% जो हमारा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर बसता है, यहाँ विलेज में बसता है। और यहाँ के लोगों का भी मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है, मुख्य ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर फार्मिंग, यहाँ पर भी लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोग भी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है और खेती बाड़ी यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो लोगों का मुख्य लैंग्वेज, हम लोगों की जो बोल चाल की भाषा, तो बिहार में बहुत डिफरेंट टाइप के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर यूज किया जाते हैं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ यूज किए जाते हैं, जिसमें मेनली फेमस लैंग्वेज जो हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में है, तो लोकल में बिहारी लैंग्वेज में आ जाता है भोजपुरी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। अंगिका हमारे भागलपुर रेंज में, इस रेंज में अंगिका बोली जाती है।
आपको पटना ये सब जो मगध इलाका है उसमें मगही बोला जाता है। जो हमारा मिथिला इलाका है जैसे दरभंगा मधुबनी उस रेंज में क्या है मैथिली बोला जाता है। और वज्जिका वज्जिका आपको बोला जाता है वैशाली नालंदा ये सब जो रेंज है बिहार के वहाँ पर वज्जी बोला जाता है। यहाँ डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोले जाते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन मेनली जो है बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज में आपको भोजपुरी मैथिली जो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का लैंग्वेज है वो ये दोनों है। यहाँ पर जो मुख्य यहाँ की जो फसलें हैं वो हो गया आपको राइस शुगर केन पल्सेस यहाँ की मुख्य फसल। यहाँ के लोग धान ज़्यादा मात्रा में उपजाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी घूमने के टूरिस्ट प्लेस हमारे बिहार में भी बहुत सारे हैं जिसमें नालंदा नालंदा में बहुत बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था विद्यालय हुआ करता था जिसको जला दिया गया था बाद में फिरोज शाह के समय में इसमें हो गया था। लेकिन नालंदा हो गया बोध गया हो गया विक्रमशिला हो गया ये सब यहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। देन वी टीच यू वेस्ट बंगाल। अब आगे क्या है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अब हम देखो इधर से हम यहाँ से वैसे से शुरू हुए हैं धीरे धीरे यहाँ पर बिहार में पहुँचे बिहार का तब खत्म कर लेंगे तब यहाँ पर वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के बाद आसाम। इस तरह से इसका रेंज के बारे में एक एक जो जो यहाँ सिटीजन टाउन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हमारे देश का कौन सा पार्ट है ईस्टर्न पार्ट है। ये हमारे पूर्वी क्षेत्र में पाया ईस्टर्न पार्ट में है वेस्ट बंगाल। ये जो है एक तरफ जो है ये क्या कहता है नॉर्थ ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट को टच करता है आसाम सिक्किम एंड भूटान एंड साउथ वेस्ट लाइस स्टेट में क्या है उड़ीसा। साउथ वेस्ट में किस स्टेट को ये टच करता है लाइस करता है उड़ीसा को। कोलकाता क्या है यहाँ का कोलकाता यहाँ का क्या है कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। और ये जो है यहाँ पर जो गंगा नदी जो हमारे यहाँ बह रही है गंगा नदी वो वेस्ट बंगाल में जाकर हुगली के नाम से जानी जाती है। और हम लोग जो कहते हैं वेस्ट बंगाल कहाँ सिचुएटेड है तो बैंक ऑफ हुगली रिवर हुगली नदी के किनारे ये सिचुएटेड है। द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है तो एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड फिशरिंग। फिशरिंग जो है मछली पालन मछली मारना यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है और एग्रीकल्चर ये दो चीज़ यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। मेनली कौन सा क्रॉप्स यहाँ ग्रो किया जाता है मेनली ग्रो इन जूट राइस ये मुख्य रूप से यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ के लोगों का जो है मेन भोजन मेन डाइट क्या है तो मेन जो यहाँ के लोगों का भोजन है वो क्या हो गया राइस एंड फिश ये मुख्य भोजन है। इसके अतिरिक्त रसगुल्ला एंड संदेश यहाँ का मुख्य मिठाई है।